अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैर से होंगे मैं हूँ रुखसाना मसूद रेमेडीज विद रुखसाना में आज आपकी बहन आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई है हर बार की तरह तो उन फ्रेंड्स के लिए जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और उनका इलाज किस तरीके से किया जाए घर में रहते हुए आपने क्या करना है और किस तरीके से किन चीज़ों का यूज़ करना है तो बस फिर आज की वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि ये रेमेडी मैंने खुद भी यूज़ की है और इसके क्या रिजल्ट हैं तो इन ताला आज की वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ अगर जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी फ्रेंड्स सबसे पहले आपने पुदीने की चंद पत्तियाँ ले लेनी है पुदीना जो है वो आपकी स्किन पे जितने भी पिंपल्स हो जाते हैं इन उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है तो आपने चंद पत्तियाँ पुदीने की ले लेनी है इसे हमने ब्लेंडर जार में या ब्लेंडर जग में जो है वो डाल देनी है अब दूसरी चीज़ आपने लेना है रोज वाटर इतना ले लें जितने में अच्छे से हमारी पुदीने की पत्तियाँ जो हैं वो ब्लेंड हो जाएं। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी तो आप देख सकते हो अच्छा सा जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया है तकरीबन रोज़ वाटर आप लगा लें आ, पाँच से छः टेबल स्पून आपने रोज वाटर के ले लेने हैं ठीक है ठीके? अच्छा सा जो है ना हमारे पास पुदीने का जो है पानी जो है वो रेडी हो जाएगा अब हमने इसमें नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है वो है मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी फेस की ऑयलिंग ख़त्म करने के लिए और पिम्पल्स को दूर करने के लिए अब हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी कितनी लेनी है तकरीबन थ्री टेबल स्पून आपने मुल्तानी मिट्टी के लेने हैं और वाटर जो था वो मैंने सारा ही पुदीने का ले लिया था ठीक है जी और इसके बाद आपने थ्री टेबल स्पून जो है वो भर के आपने ले लेने हैं मुल्तानी मट्टी के अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट हैं इससे आपकी एक तो स्किन फ्रेश होगी दूसरी चीज़ आपके जो पिंपल्स हैं वो इन ख़त्म होंगे लेकिन एक बार से नहीं आप इसे तकरीबन दो तीन वीक तक यूज़ करें इन शाह जितने भी आपके फेस से पिंपल होंगे इनशाला वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो ऑयली स्किन होती है ना तो इन वो भी ठीक हो जाएगी अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो उसकी वजह से ही आपके फेस पर जो है ना पिम्पल्स वग़ैरह आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तब भी आपके फेस पे जो है ना वो पिंपल्स हो जाते हैं ठीक है जी तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे इसके तभी जब आप इसका यूज़ जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही करोगे ठीक है जी तो आपने अपने फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है अच्छा जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक दाने निकल आते हैं या नेक पे निकल आते हैं तो आप इस मास्क का यूज़ कर सकते हो इन शिम्पल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जितने भी गर्मी के दाने भी होंगे ना इन वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो आपने इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और जब आप इसे अप्लाई कर लोगे तो आपने इसे फुल ड्राई होने देना है ठीक है अपने फेस को आपने फुल ड्राई करना है जब ये फुल ड्राई हो जाएगा उस उसके बाद ही आप इसे वाश करना है तो आप देख सकते हो कि काफ़ी हद हाँ तक जो है ना ये ड्राई हो चुका है लेकिन आप जब फेस पे लगा रहे हो या बॉडी पे लगा रहे हो तो आपने उसे बिल्कुल ड्राई करना है उसके बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ लेकिन इससे स्किन तो ग्लो होगी लेकिन आपका फेस जो है इन जो है वो चमक जाएगा आपकी स्किन का कलर भी वाइट होगा और एक फेस पे ग्लो आ जाएगा इन तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैंने वॉश करके आपको दिखाया है इनशाला अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं जब आप इसका यूज़ करोगे तभी आपको इसके रिजल्ट पता चलेंगे ठीक है जी बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्ता ये मास्क है वीक में आपने इसका यूज़ जो है वो तीन बार करना है रेगुलर आप दो से तीन हफ्ते यूज़ करो करो इन आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे ठीक है जी पहले आप यूज करना उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे तो उम्मीद है आज की रेमेडी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अब मैं इजा चाहती हूं ओके अल्लाह अल्लाफिज